सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आपको बता दें, क्वालकॉम ने अपने स्नैपड्रैगन 485G प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है। अब उसी से जुड़ी कुछ आपको रोचक तत्व बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, यदि आपको भी इस बात से शिकायत थी कि कम कीमत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हो रहा है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आपको बता दूं, प्रमुख चिपसेट निर्माता कंपनी क्वालकॉम ने अपने लेटेस्ट 5G चिपसेट स्नैपड्रैगन 485G को लॉन्च कर दिया है। स्नैपड्रैगन 485G स्नैपड्रैगन 4 सीरीज का पहला 5G प्रोसेसर है, जिसमें किफायती 5G स्मार्टफोन के लिए पेश किया गया है। आपको बता दें, स्नैपड्रैगन 485G प्रोसेसर से सस्ता 5G स्मार्टफोन का सपना पूरा होगा। स्नैपड्रैगन 460 और स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर से इसकी तुलना करें तो स्नैपड्रैगन 485G 8 नैनोमीटर प्रोसेसर पर तैयार किया गया है। इसके अलावा इस सीरीज का यह पहला प्रोसेसर है जिसमें क्विक चार्ज 4+ 120fps FHD+ पैनल का सपोर्ट, 64 मेगापिक्सल का कैमरा का सेटअप और ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट है। आपको बता दें, स्नैपड्रैगन 485G प्रोसेसर के साथ सस्ते 5G स्मार्टफोन का सपना पूरा होगा। इसकी लॉन्चिंग पर ओप्पो के प्रोडक्ट मैनेजर ब्रेदा ने कहा कि हम नए स्नैपड्रैगन 485G मोबाइल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए उत्साहित है। विश्व स्तर पर 5G के उपभोक्ताओं के लिए यह उपयोगी साबित होगा। आपको बता दें, ऐसे में कहा जा सकता है कि ओप्पो स्नैपड्रैगन 485G प्रोसेसर के साथ सस्ते 5G फोन लॉन्च करने को लेकर तैयार है। हालांकि अभी तक किसी भी कंपनी ने स्नैपड्रैगन 485G वाले फोन को लॉन्च करने को लेकर कुछ नहीं कहा है। आपको बता दें, इस वक्त भारतीय बाजार में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन मोटो G5G है, जिसकी कीमत लगभग 20,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो मोटो G5G में 6.7 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले है, जिसमें रेवोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल्स का है। डिस्प्ले की क्वालिटी LTPS है। फोन में एंड्रॉइड 10 दिया गया है। वहीं डिस्प्ले के साथ HDR10 का सपोर्ट मिलता है। तो इसी तरह लेटेस्ट टेक न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।